आज हम आपको अरिहंत ऑल इन वन वाले हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव CBSE क्लास 12th की जो हिंदी की जो सपोर्टिंग मटेरियल है इसका आज हम आपको रिव्यू करके दिखाने चाहेंगे। तो ये अरिहंत कंपनी का ऑल इन वन वाला प्रोडक्ट है जो कि हिंदी सब्जेक्ट का के विषय का ही एक सपोर्टिंग मटेरियल है। तो इसे हम आपको फुल रिव्यू करके दिखाते हैं। तो हम पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो पहले इन्होंने इस पन्ने पे ये दे रखा है कि कौन से लेसन थे और कौन से लेसन डिलीट कर दिए गए हैं और कौन से पेज नंबर पे थे, और साथ ही यहाँ पे विशेष सूची दे रखी है कि किस किस भागों में डिवाइडेड है हिंदी का कोर्स, जैसे कि ग्रामर का कितना भाग है, साथ ही वो कौन से पेज नंबर पे है। साथ ही उन्होंने ये भी दिखा रखा है कि जैसे कि ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, और साथ ही जो पाठ्य पुस्तक के जो अंतरा और अंतराल है उनको भी इन्होंने विशेष सूची में प्रस्तुत किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए और कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अंक तालिका दे रखी है, जैसे कि पेपर में जो क्वेश्चन पेपर बन के आता है जिससे 80 या 100 नंबर का, वो किस किस भागों में डिवाइडेड हुआ है, जैसे कि ग्रामर में कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिससे अंतरा वाली किताब में कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, अंतराल में कितने नंबर के आएंगे। तो हम देखते हैं अपठित अंश, यानी कि शुरुआत में इन्होंने अपठित बोध यानी कि अनसीन पेसेज वाली कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ पढ़ के। तो इन्होंने जैसे कुछ गद्यांश दे रखे हैं जिसे पैराग्राफ होता है जैसे इंग्लिश में, तो उनको पढ़ के हमें उनके आंसर छाटने पड़ते हैं, देने होते हैं। तो उनको शुरुआत में इन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है बैक टू बैक। तो इससे क्या है कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है आंसर को छाट छाट के करने में, और आजकल इसी तरीके का रैशनलाइज्ड क्वेश्चन पेपर बन के आता हुआ है और भी सब्जेक्ट में, जिसमें क्वेश्चन आंसर छाट के करने होते हैं एक पैराग्राफ को पढ़ के, जिसमें जगह जगह इन्होंने दे रखा है। साथ ही ये भी दिखा रखा है कि ये कौन कौन से सन में आया हुआ है। तो इससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है कि किस प्रकार से CBSE में के बोर्ड में क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। अभी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन यानी कि ग्रामर का ही एक हिस्सा है हिंदी ग्रामर का, तो उन्होंने इसको पेश किया हुआ है काफ़ी अच्छे ढंग से, ताकि पता चल जाए कि इसका कि आंसर किस तरीके से देना होता है। तो ये एक ग्रामर का हिस्सा है, कविता कहानी और साथ ही लेखन हो गया, तो इन्होंने अच्छे तरीके से इसमें पेश किया हुआ है। साथ ही इसमें ये भी बता रखा है जगह जगह पे भी कि CBSE में कौन से सन में किस वक्त ये पेपर बन के आया हुआ था। तो हम और भी आगे बढ़ के देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से फीचर दे रखे हैं। जैसे आप दे रखा है पाठ्य पुस्तक अंतरा और साथ ही अंतराल भाग टू। तो पहले अंतरा को दिया हुआ जाएगा, इसमें क्या है कि ये कविता वाले टाइप के ही क्वेश्चन आंसर बने हुए रहते हैं। तो इसमें पहले इन्होंने थ्योरी दे रखी है उसकी एक शॉर्ट तरीके से, फिर उनकी इन्होंने दे रखी है जैसे कि कविता है तो उसका हमें कुछ पैराग्राफ दे रखा है, तो उन हर कविता की इन्होंने सब प्रसंग व्याख्या कर रखी है, संदर्भ भी बता रखा है इन्होंने, साथ ही उनका काव्य सुंदर भी इन्होंने पेश किया हुआ है, साथ ही उन्होंने इसके बारे में विशेष करके टिप्पणी भी इसमें दी गई है। तो इससे क्या है खूब अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है किसी भी पद को पढ़ने से। तो इससे क्या होता है कि उसके शब्दार्थ भी इन्होंने दे रखे हैं, साथ ही संदर्भ दे रखा है, सह प्रसंग व्याख्या दे रखी है, और साथ ही उन्होंने विशेष करके और साथ ही काव्य सुंदर भी इन्होंने जगह जगह इन्होंने हर कविता के पैराग्राफ में इन्होंने पेश किया हुआ है। तो इससे क्या है कि काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। यदि हम इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से सह प्रसंग व्याख्या और काव्य सुंदर के साथ पढ़ लें तो हमको क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी आसानी से याद हो जाते हैं। साथ ही इन्होंने जैसा कि बताया गया है कि इन्होंने जगह जगह पे ये भी पेश किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे सन बताने से ये होता है कि वो क्वेश्चन ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और बोर्ड में ना अक्सर
वही पूछे जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हिंट मिल जाती है। साथ ही इन्होंने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं जो कि भावकल्पित प्रश्न उत्तर के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही इन्होंने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं जो हिंदी के पाठ के अंत में मिलते हैं। और हर प्रकार की तरह इन्होंने ये भी बता रखा है कि कौन कौन से सन में आए हुए हैं। तो ये अब दूसरी कविता है, वो भी इन्होंने पहली की ही तरह पेश करी हुई है, जैसे पहले चैप्टर में भी कर रखा है, जैसे शब्दार्थ दे रखे हैं, सहप्रसंग व्याख्या दे रखी है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हुए हैं। साथ ही ये भी बता रखा है कि कौन कौन से बोर्ड में आए हुए थे, और साथ ही शॉर्ट समरी भी इन्होंने पेश करी हुई है थ्योरी की। तो इसी तरीके से जो दूसरी जो भाग है हमारी अंतराल, जो कि एक क्या कहते हैं चैप्टर के कहानी के हिसाब से बनी हुई होती है, तो उन्होंने भी इसकी शॉर्ट समरी दी हुई है। साथ ही लेखक का शुरुआत में जीवन परिचय दे रखा है, फिर बाद में पाठ का सार यानी शॉर्ट इन्होंने थ्योरी दे रखी है, फिर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर इन्होंने दे रखे हैं हल सहित, और साथ ही क्वेश्चन आंसर ये भी बताया गया कि कौन कौन से CBSE बोर्ड में आए हैं, कौन कौन से ऑल इंडिया में आए हुए हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बेनिफिट रहता है, जैसे कि बता देते हैं कि ओल्ड इंडिया में CBSE में ये आया हुआ है, और साथ ही इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से शब्दार्थ भी इन्होंने पेश किए हुए हैं कलर में। और साथ ही इस जो बुक है, जो सपोर्टिंग मटेरियल है अरिहंत की, इन्होंने लास्ट में क्या कर रखा है, 3 सैंपल पर भी दिए हुए हैं। साथ ही इन्होंने महत्वपूर्ण गद्यांश भी दे रखे हैं, उनके भी सहप्रसंग व्याख्या, जैसे कि हिंदी के चैप्टर में भी सहप्रसंग व्याख्या पूछ ली जाती है, तो वो भी इन्होंने दे रखा हुआ है। साथ ही अब हम अंत में आते हैं, इसमें 3 बेस्ट और इम्पोर्टेंट जो है सैंपल पेपर दिए हुए हैं, वो अभी हमें इस बुक के अंत में मिलेंगे। उन सैंपल पेपर से क्या होता है, इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 1 दिया हुआ है, इसी तरीके से 2 भी दिया है, 3 भी दिए हैं, तो 3 सैंपल पेपर दिए हुए हैं, जिससे कि ये इनकी प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छा अभ्यास हो जाता है। और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से बन के आता है, और बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न बार बार पूछे हुए जाते हैं। तो इन्होंने 3 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर बना रखे हुए हैं, साथ ही काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हें सोल्व भी करा हुआ है जगह जगह। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, सपोर्टिव मटेरियल है हिंदी में एक अच्छे अंक लाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके और भी अन्य सब्जेक्ट की भी आती है, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने क्वेश्चन आंसर को काफ़ी सरल भाषा में पेश करते हुए हैं। तो ये काफ़ी उपयोगी है CBSE क्लास 12th हिंदी ऐच्छिक के लिए।